आज के टाइम में हम सब लोगों ने मेक इन इंडिया के बारे में बहुत सुना है, पर क्या आप सबको पता है कि पहला मेक इन इंडिया फाउंटेन पेन कब बनाया गया था? आज हम इसके बारे में पता लगाएंगे। स्टे ट्यून गाइस। रत्नम पेन वर्क्स का नाम फाउंडर के वी रत्नम के नाम पर पड़ा है। 1932 में अपनी स्थापना के बाद से महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये पेन भारत के स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक रहा है। एक अनोखी कहानी के साथ ये कलम की असली कीमत से कहीं ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि इस कलम का इस्तेमाल भारतीय इतिहास में कई महान लोगों द्वारा किया गया था, जिनमें गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी और वीवी गिरी जैसे हस्तियां भी जुड़ी हुई थी। दरअसल एक कन्वेंशन के तौर पर हर 5 साल में मौजूदा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम वाले फाउंटेन पेन उनके आवास पर भेजे जाते हैं। इस बात को हम सभी जानते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने भारत में बनी हुई चीजों के उपयोग को प्रोत्साहित किया था। जब उनकी मुलाकात 1921 में केवी रत्नम से हुई थी तो उन्होंने भारतीय चीजों का इस्तेमाल करके उत्पाद बनाने की सलाह दी थी। हिस्टोरिकल अकाउंट से जाने तो उस वक्त केवी रत्नम ने गांधी जी से पूछा, मुझे क्या बनाना है, और गांधी जी ने कहा, आप पिन से लेकर पेन तक कुछ भी बना सकते हैं। 1933 में एक फाउंटेन पेन को सावधानी पूर्वक तोड़ने और उसकी पेचीदगियों को अध्ययन करने के बाद केवी रत्नम ने गांधी जी को उनके द्वारा बनाया गया एक पेन भेजा, केवल अस्वीकृति का सामना करने के लिए। यह देखते हुए कि इसके कच्चे उपकरणों का एक्सपोर्ट किया गया था, यह गांधी द्वारा रखी गई आवश्यकताओं से कम हो गया। कलम वास्तव में भारतीय नहीं था। एक साल बाद अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के सचिव जेसी कुमारप्पा ने राजमुंद्री का दौरा किया और रत्नम ने उनके उद्यम में मदद करने का फैसला किया। इस तरह से पहली स्वदेशी कलम बनाई गई। रत्नम को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए गांधी जी ने उन्हें एक नोट लिखा जिसमें कहा गया था, प्रिय रत्नम, मैंने फाउंटेन पेन का इस्तेमाल किया है और ये बाजार में दिखने वाले विदेशी पेन का एक अच्छा विकल्प लगता है। यह नोट आज भी रत्नम बॉल पेन वर्क्स में गर्व से जुड़ा हुआ है। 1958 में केवी रत्नम और उनके भाई कसूरी सत्यनारायण अलग हो गए और व्यापार भी विभाजित हो गया रत्नम सन्स और रत्नम बॉल पेन वर्क्स में। हाथ से बने इबुनाइट पेन में देखा गया विवरण इस तरह का था कि हर एक पेन के निब अलग अलग व्यवसायों के लिए तैयार किए गए थे। एक पत्रकार के लिए निब को इस तरह से बनाया गया था कि किसी भी कोण से लिखना संभव था। इस बीच एक डॉक्टर के फाउंटेन पेन की निब मोटी थी। स्टील निब वाले पेन की कीमत 150 रुपए से 1500 रुपए तक हो सकती है। 14 कैरेट निब वाले चांदी के पेन की कीमत 25,000 रुपए से 35,000 रुपए और सोने के पेन की कीमत 2,00,000 रुपए है। 2012 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने केवी रमन्ना मूर्ति को सबसे छोटा कलम बनाने के लिए सम्मानित किया, जो कि 3.5 सेंटीमीटर लंबा और 1.7 ग्राम के वजन का था। इसमें पेन पॉइंट क्लिप और रिंग बैंड के साथ 14 कैरेट के सोने की निब भी थी। तीसरी पीढ़ी के साथ कई मुसीबतों के बावजूद आज भी रत्नम पेन्स का झंडा ऊंचा फहराया जाता है। आज के समय में भारतीय कलम बनाने की विरासत को बरकरार रखा जाना न केवल वह सम्मान है, बल्कि दिल को गर्व से भरने के लिए अभी भी काफी है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।